Morning dear students, welcome back. We are doing exercises of lesson number 2, the tailor bird and a naughty cat. Okay, some exercises already we have done in previous video, so remaining exercises we will continue in today's class. So take out your English textbook, page number 28. We have to do some exercises of page number 28 29 30 31. Okay, so let's start. Vocabulary. Synonyms are different words with almost identical or similar meaning. Synonyms हम किसको बोलते हैं? Synonyms जो similar word होते हैं, जिसका meaning, words अलग अलग होते हैं लेकिन meaning कैसा होता है? Same होता है. Okay? Here are some sentences. Replace the underlined word in them with appropriate synonyms from the box. Here are some words in one box. Small, angry, lip, sick, street. Okay, we have to read the sentence carefully and concentrate the underlined sentence, underlined word. We have to exchange the underlined word in similar form. Okay, आपको क्या करना है, सेंटेंस को रीड करना है और जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सिमिलर वर्ड इस बॉक्स में से फाइंड कर यहाँ पर लिखना है. ओके, तो एक्टिविटी आपको इसमें तो करना ही है, लेकिन अपने नोटबुक में भी सिनोनिम्स हेडिंग देके आपको ये सारे वर्ड जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो लिखना है और वर्ड के आगे उसका सिनोनिम्स लिखना है. ओके, सो फर्स्ट देयर हैव थ्री टाइनी चिक्स. टाइनी उसका सिनोनिम्स है स्मॉल. टाइनी मीन्स छोटा, स्मॉल. आई फील रियली इल टुडे. इल मीन्स बीमार और सिक मीन्स भी होता है बीमार. ओके, नेक्स्ट द कैट वॉज फ्यूरियस मीन्स एंग्री. फ्यूरियस का सिनोनिम्स है एंग्री. ओके, अ फ्रॉग कैन जंप वेरी फार. फ्रॉग क्या करता है, बहुत दूर जंप मार सकता है. जंप का सिनोनिम है लिप. हैरी रन डाउन द रोड. रोड का सिनोनिम है स्ट्रीट. स्ट्रीट मीन्स भी रोड होता है, रोड मीन्स भी रोड होता है. ओके, सारे सिनोनिम्स को आपको लिखना है और उसके वर्ड को लिखना है और उसके सिनोनिम्स उसके साइड में लिखना है. ओके, नेक्स्ट ग्रामर पार्ट. टर्न ऑन पेज नंबर 29. प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ नाउंस. प्रोनाउंस हम किसको बोलेंगे? ऑलरेडी यू हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लास अबाउट प्रोनाउंस. जो नाउंस के जगह पे हम जो दूसरा वर्ड लिखते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउंस. ओके, प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउंस. जैसे बार बार हम किसी का नेम है, जैसे कि हम अनया के बारे में बात कर रहे हैं. अनया इज अ वेरी गुड गर्ल. अनया इज वेरी टैलेंटेड. अनया इज ऐसे जब हम अनया 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 करेंगे क्या? नहीं, उसके जगह पे हम दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे जो कि प्रोनाउन होता है. अब अनया के जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? शी यूज़ करेंगे. अगर बॉय है तो हम ही यूज़ करेंगे. अगर कोई थिंग है तो हम ईट यूज़ करेंगे. ओके, ऐसे इसको बोलेंगे हम प्रोनाउंस. प्रोनाउंस कैन बी यूज टू टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग और मोर देन वन पर्सन और थिंग. प्रोनाउंस हम कोई पर्सन के बारे में या थिंग के बारे में या मोर देन वन पर्सन और थिंग के बारे में ही कर सकते हैं, मतलब एक भी और अनेक भी. देखो, सिंगुलर प्लूरल ऑलरेडी यू हैव लर्नड. सिंगुलर मीन्स एक, प्लूरल मीन्स अनेक. ओके, मोर देन वन. सिंगुलर में अगर हम आई का यूज़ करते हैं तो प्लूरल में हम यूज़ करते हैं वी का. क्या यूज़ करते हैं? वी. जब एक व्यक्ति है तो हम आई बोलेंगे. हम अपने बारे में बात करें तो हम आई बोलेंगे. अगर हम बहुत सारे साथ में हैं तो हम वी बोलेंगे. नेक्स्ट, सिंगुलर में जब हम यू का प्रयोग करते हैं तो प्लूरल में भी यू ही बोलेंगे. जैसे हम किसी दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको यू बोलते हैं सिंगुलर में, और प्लूरल में भी उसको हम चार लड़के भी खड़े हैं तो भी हम आपको यू ही बोलेंगे. नेक्स्ट, ही और शी. अगर कोई बॉय है तो उसको हम ही बोलेंगे सिंगुलर में. अगर कोई गर्ल है तो उसको हम शी बोलेंगे सिंगुलर में. अगर एक गर्ल है तो, अगर ज़्यादा गर्ल्स है तो हम उसको उनको दे बोलेंगे, और ज़्यादा बॉयज़ है तो हम उनको दे बोलेंगे. ही और शी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? दे. नेक्स्ट, सिंगुलर में हम जब मी का यूज़ करते हैं, दिस इज़ फॉर मी, मतलब वो मेरे लिए है, तो अगर हम प्लूरल में यूज़ करेंगे तो अस बोलेंगे. दिस इज़ फॉर अस, मतलब हम तीन चार लोग हैं या दो लोग हैं तो हम दिस इज़ फॉर मी बोलेंगे कि ये सब मेरे लिए है. नहीं, ये सब हमारे लिए है, मतलब मी के जगह हम अस का यूज़ करेंगे. ईट, सिंगुलर में जब हम ईट बोलते हैं
तो प्लूरल में हम उसका देम बना देते हैं। हिम और हर का अगर बात होता है तो हम प्लूरल में उसका क्या बनेगा, देम। ओके, दिस टेबल यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, इंग्लिश नोटबुक। आपको ये टेबल अपने नोटबुक में लिखना है और ये अच्छे से रीड करना है कि हम सिंगुलर के प्लूरल फॉर्म जब करते हैं तब उसका कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे। फिल इन दिस ब्लैंक्स यूजिंग आई, ही, शी, ईट, यू, वी और दे। प्रोनाउंस, ये सारे क्या है, प्रोनाउंस हैं जो हमको इस सारे स्टोरी में उसको यूज़ करना है। देखो, द बिग डे हैड कम एट लास्ट, मिस शर्माज थर्ड ग्रेड क्लास वेटेड क्वाइटली फॉर हर टू कम इन टू द रूम। अब देखो किसकी बात चल रही थी, मिस शर्माज थर्ड ग्रेड क्लास, मिस शर्मा की नहीं, मिस शर्माज थर्ड ग्रेड क्लास, मतलब वो बन गया दे। ओके, दे हैड प्लान्ड द, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, दे हैड प्लान्ड द पार्टी अ वीक अगो। अंकित ब्रॉट द स्वीट्स, जिया ब्रॉट द नैपकिन्स, कैथरीन ब्रॉट द जूस एंड करण ब्रॉट द कप्स। इतने सारे लोगों ने कुछ कुछ स्वीट्स, नैपकिन्स कुछ लाया है। ओके, तो हम इन सारे बच्चों के बारे में क्या बोलेंगे यहाँ पे, दे वॉन्टेड द पार्टी टू बी अ सरप्राइज, सो यू हैव टू राइट हियर दे। मिस शर्मा डिड नॉट नो दैट द चिल्ड्रेन न्यू इट, वॉज हर बर्थडे। व्हेन शी केम इनटू द रूम द चिल्ड्रेन शाउटेड हैप्पी बर्थडे डियर मैम एंड देम द चिल्ड्रेन गॉट अ सरप्राइज टू, मिस शर्मा हैड ब्रॉट एवरीवन अ पीस ऑफ केक। देखो, सो यू हैव टू राइट प्रोनाउंस फर्स्ट दे, सेकेंड दे, थर्ड ईट, देन हर, देन शी। ओके, यू हैव टू पुट ऑल दीज प्रोनाउन क्लियरली। रीड दीज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी ब्यूटिफुली, कुछ वर्ड्स है हमारे लेसन के जो आपको रीड करना है, ब्यूटिफुली, रिस्पेक्टफुली, क्लियरली, सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है, एल वाई। ऑल दीज वर्ड्स एंड विद एल वाई, सारे वर्ड्स क्या है, एल वाई से एंड हो रहे। वी कैन मेक न्यू वर्ड्स सिंपली बाय एडिंग एल वाई टू सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को हम ऐसे ही क्या बनाएंगे, कुछ कैसे बनते हैं, एडिंग एल, मतलब एल वाई को ऐड करके वो वर्ड ऐसे बन जाते हैं। देखो, ब्यूटीफुल प्लस एल वाई, ब्यूटीफुली, रिस्पेक्ट प्लस एल वाई, रिस्पेक्टफुली, क्लियर प्लस एल वाई, क्लियरली। हाउएवर देयर आर सर्टन वर्ड्स वेयर एल वाई इज एडेड डिफरेंटली। टर्न ऑन पेज नंबर 30। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी प्लस एल वाई क्या बनेगा यहाँ पे, हैप्पीली। हैप्पी प्लस आई प्लस एल वाई इज इक्वल टू हैप्पीली। लकी प्लस एल वाई, लकी प्लस आई प्लस एल वाई इज इक्वल टू लकीली। ओके, वेन अ वर्ड्स एंड्स विद वाई द वाई इज रिप्लेस्ड विद आई वेन एल वाई इज एडेड। ओके, जब भी हम हैप्पीली बनाते हैं तो हमको क्या करना है, y हटा के i लगाना है और फिर देन उसको ly ऐड करना है। देखो, लकी में लकीली जब बनाना है तो लकी के बाद i लगाएंगे, y हटा के i लगाएंगे और देन ly ऐड करके उसको लकीली बनाएंगे। एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ly फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। रिया वॉक्ड स्लो दिया है, हमको लिखना है स्लोली। द बुक्स फेल ऑन द फ्लोर नॉइजी दिया है तो हम लिखेंगे नॉइजीली। हमने क्या किया, नॉइजी का वाई हटा के यहाँ पर आई लाया, उसके बाद एल वाई लिखा। मार्था नियरली ट्रिप्ड ओवर हर ओन बैग, नियर को हमने क्या बनाया, एल वाई जोड़ के नियरली। शी क्वाइटली व्हेन यू आर इन द लाइब्रेरी, क्वाइट को हमने क्या बनाया, क्वाइटली बनाया। ही वॉक्ड आउट ऑफ द रूम एंग्रीली, एंग्रीली में भी हमने क्या किया, वाई हटा के आई लिखा और देन एल वाई को ऐड किया। ओके, सो यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज एक्सरसाइजेज इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइजेज वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंडरस्टूड, थैंक यू। कुछ कुछ इसमें से एक्सरसाइजेज जो इंपॉर्टेंट है वो आपको अपने नोटबुक में भी लिखना है बेटा। ओके, थैंक यू।